अपने राज्य के डर से एक नटनी की करवा दी हत्या। एक ऐसा राजा जिसने नटनी से लगा ली शरत और जब अपना राज्य हारने लगे तो करवा दी नटनी की हत्या। जी हाँ दोस्तों, ये कोई एक कपोल काल्पित कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। घटना है जालौर जिले के में स्थित कालकाजी पहाड़ी के बीच बनी एक नटनी की छत्री की जीती जागती कहानी। दोस्तों आज का वीडियो है कर साथियों, आज हम एक जालौर से जुड़ी ऐतिहासिक से संबंधित जानकारी के साथ नया वीडियो लेकर आया हूं। जालौर के इतिहास से जुड़ी कुछ किस्से अगर आप जालौर के रहने वाले हैं तो यहां आपके लिए खास संबंधित होगा। यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नया जुड़े हैं तो आप अभी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जालौर के सुरनगिरी पर्वत के दक्षिण दिशा में कालकाजी की पहाड़ी पर एक नटनी की छतरी बनी हुई है। इस संबंध में किंवदंती है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व में यहाँ पर कर्तव्य दिखाने वाले नट समाज की एक छतरी लगी हुई है कि एक बार जालौर में राजा ने नट की यह शर्त लगा दी कि नटनी रस्सी पर जालौर पहाड़ी के पश्चिम में स्थित टेकरी से दूसरी तरफ कालकाजी में रस्सी बांधकर उस स्थान पर चलकर के पार कर लेती हैं, तो इस पर राजा ने कहा कि ऐसा कर दिया तो आधा राज्य दे दूंगा। तय समय पर पूरा राज्य दरबार एवं ग्रामीण जनों की उपस्थिति में नटनी ने रस्सी पर चलना प्रारंभ कर दिया तथा लगभग 80% चली और राजा का आधा राज जाते जाते बच गया। तभी कहते हैं कि नटनी ने आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली थी। इस पर राजा को जल्दबाजी में दिए गए वचन के परिणाम का एहसास हुआ और उसने इशारा कर मंत्री से कहा कि सिपाही व सलाहकारों ने कहा कि महाराजा आधा राज्य तो चला जाएगा, तो महाराजा ने कहा कि क्या किया जाए। तभी ने कहा कि रस्सी को तोड़ दिया जाए। इस पर रस्सी को दूसरी तरफ से तोड़ दिया गया और नटनी के गिरने से मृत्यु हो गई। कहते हैं कि नटों ने उस घटना को लेकर यह शपथ ली कि आज से जालौर का असली नट होगा वो पानी तक नहीं पिएगा तथा और ना ही यहाँ पर रहेगा। तब से अब तक नटों का जालौर में गातोतर यानी कि कसम है तथा यह नटनी की छतरी उनकी स्मृति में कराती हैं। यही लेकिन उनकी स्मृति में बनी छतरी, हालांकि कुछ लोग रस्सी की जगह उन्हें कच्चे धागे की शरत बताते हैं लेकिन यह प्रमाणिक नहीं है। स्वर्णगिरी की टेकरी से कालकाजी की पहाड़ी तक रस्सी पर लगभग 500 मीटर चलने की शर्त थी। प्रमाण ऐसा नट समाज ने किया जालौर का बहिष्कार आज तक जारी प्रचलित है कि राजा के इस आचरण से दुखी होकर नट समाज ने उसी समय जालौर छोड़ दिया। समाज से जुड़े लोग बताते हैं कि आज भी पुराने परिवारों के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं, हालांकि इक्का दुक्का परिवार यहाँ बाहर से आकर रह रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।